नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ अर्चिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी लाइफ मंत्रा में। मुझे डीएम में एक सवाल रिपीटेडली रिपीट हो रहा है कि बहुत से लोगों को दुविधा है, ये सवाल है कि वीकली इष्ट का महत्व क्या है, वीकली इष्ट क्यों, क्या होता है, क्यों मैं अपने साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों के वीकली फेवरेबल इष्ट बताती हूँ। उज्जैन से दीप्ति जी कहते हैं कि उन्होंने पूरा YouTube ढूंढ लिया पर एक भी वीडियो वीकली इष्ट के महत्व पर नहीं मिला। मुझे यहाँ पर भी कमेंट आया था निकिता जी का, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि वीकली इष्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू दीप्ति जी, निकिता जी और उन सबको थैंक यू जिसने भी मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने महत्वपूर्ण यूनिक विषय पर ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी साझा कर सकती हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि मैंने अपने पहले एक दो वीडियो में कहा है कि ज्योतिष शास्त्र एक महासागर है और इस महासागर की गहराई कोई नाप नहीं सकता। जैसे अनेक अमूल्य रत्न इस महासागर में से निकलते रहते हैं, ऐसे ही साप्ताहिक इष्ट ज्योतिष शास्त्र नामक महासागर का एक अमूल्य रत्न है। जैसे हम हमारे जन्म राशि, जन्म लग्न या बर्थ डेट से लकी नंबर, लकी कलर निकालते हैं, ऐसे ही जन्म राशि, जन्म लग्न या बर्थ डेट के आधार पर लकी ईस्ट भी होते हैं और जनरली इस पर ही लोग डिबेट करते हैं। ज़्यादा गहराई तक ज़्यादातर कोई नहीं जाता। जन्म समय के आधार पर जन्म कुंडली तो ज़्यादातर सबकी होती है, पर फिर भी कोई समस्या के आने पर या कोई भी जनरल टॉपिक का रिजल्ट निकालने के लिए हम पर्टिकुलर जातक के प्रश्न को सुनकर, हम गोचर ग्रहों की स्थिति देखकर प्रश्न कुंडली निकालते हैं कि जातक का प्रश्न निवारण ला सके। वैसे ही गोचर ग्रहों की स्थिति के चलते ही हम 12 राशियों के फेवरेबल इष्ट भी निकालते हैं। यह एक ज्योतिष शास्त्र का बेहद गहरा गणित है और ऐसे ही गोचर ग्रहों के चलते हम अगर उस सप्ताह के हमारी राशि अनुसार इष्ट को प्रसन्न कर ले तो हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि के योग प्रबल बन जाते हैं। सनातन धर्म अनुसार हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं हैं। हर कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को किसी न किसी भगवान या तो माता जी को अपना इष्ट जरूर से बनाना चाहिए। संकट में हमेशा हमारे इष्ट ही हमें उस संकट से उबारते हैं, राह भटकने से भी हमारे इष्ट ही हमें बचाते हैं और सही राह, सही रास्ता हमें दिखाते हैं। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना उपासना करने के बाद भी उनका मन भटकता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान का मन एक देवी या देवता के और सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है, पर फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से देवी या देवता की पूजा करें। तो ज्योतिष शास्त्र के वन ऑफ द टफेस्ट मैथमेटिक्स द्वारा हमें 12 राशियों के हमारे फेवरेबल इष्ट हमें पता चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि हम अगर हर दिन अपने राशि अनुसार हमारे इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करें तो हमारे भाग्य में अच्छा और सकारात्मक बदलाव होता जाएगा। इसीलिए सप्ताह के इष्ट को प्रसन्न करते रहें और हमारे जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय बनाते रहें। मैं आशा करती हूँ कि इष्ट देव को लेकर आज जो भी मैंने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए और मेरी दी गई जानकारी यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से करना। आगे भी ऐसे ही यूनिक, ऑथेंटिक और यूज़फुल जानकारी जानने के लिए जिससे आप आपका जीवन स्मूथ और सुखमय बना सके तो मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर देना। आप सब आपका ख्याल रखना। थैंक यू।